दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है, लेकिन सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने सपनों को हासिल करने की हिम्मत रखते हैं, जो अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बचपन से ही मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। क्लास में डफर स्टूडेंट की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर आता था। साल भर बहुत मस्ती करता था, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में मानो मेरी सांसें रुक जाती थीं। पेपर कितना भी इजी क्यों ना हो, मेरा रोल नंबर 30 था, लेकिन मेरे मार्क्स हमेशा मेरे रोल नंबर से कम ही आते थे। मेरे इस तरह के परफॉर्मेंस को देखकर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसका स्कूल चेंज कर दिया जाए। नए स्कूल में जाने से नए बच्चों से मिलेगा, नए टीचर से डील करेगा, हो सकता है इसका परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा स्कूल चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मैं क्या करता, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। एंड फाइनली न्यू स्कूल में मेरा एडमिशन भी हो गया। न्यू स्कूल में मेरा पहला ही दिन था, और उसी दिन क्लास में एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई। मैंने उसे बहुत मारा। प्रिंसिपल ऑफिस में मेरी कंप्लेंट पहुंची। प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया और मुझे 3 दिन तक स्कूल ना आने का ऑर्डर दे दिया। घर आने के बाद पापा ने भी बहुत डांटा। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। क्लास में ना तो मेरा कोई दोस्त था, ना मेरा कोई पैशन, और ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा। मेरे एग्ज़ाम आ गए, और एग्ज़ाम आकर कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। एंड फाइनली मेरा रिज़ल्ट भी आ गया, और जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा आई एम शॉक्ड। हिंदी को छोड़कर मैं बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में फेल था। नाउ आई बिकेम टोटली डिप्रेस्ड। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना अपनी कंट्री के लिए, और ना ही अपने आप के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। दिस ऑल मेड मी क्राई। नाउ दिस वॉज अ टाइम वेयर अ टर्निंग पॉइंट कम्स इन माई लाइफ। मेरा एक क्लासमेट था जो अचानक से मेरे पास आया, और उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे अपना रिज़ल्ट दिखा सकते हो? मैंने उससे कहा, मेरे रिज़ल्ट में देखने लायक कुछ भी नहीं है। उसने मुझसे कहा कि ये वो गलती है जो तुम कर रहे हो। मैंने पूछा, कौन सी गलती? उसने कहा, तुम्हारा डर। हाँ, तुम्हारा डर ही है जो तुम्हें सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। उसने मुझसे कहा कि अपने डर के कारण ही तुम अपने एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे मोटिवेट कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द बिल्कुल सच है। मैंने उसे अपना सारा मैटर बताया, और मैंने उससे हेल्प मांगी। उसने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जो मैं रोज़ फॉलो करने लगा। ही टोल्ड मी द थीम ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन। कुछ महीनों बाद आई बिकेम कॉन्फिडेंट। नाउ आई वॉज फीलिंग गुड। कुछ महीनों बाद मेरे फाइनल एग्ज़ाम आ गए। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से अपना एग्ज़ाम लिखा, एंड फाइनली मेरा रिज़ल्ट भी आ गया। और जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा आई एम शॉक्ड। हर एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 80% से ऊपर थे। आई वॉज सो हैप्पी। मैं दौड़कर अपने उसी क्लासमेट के पास गया जो मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने उसे अपना रिज़ल्ट दिखाया। मैंने उससे कहा, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। उसने मुझसे कहा कि तुमने जो भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत से किया है। दिस वॉज रियली एक्साइटिंग। और उस दिन से आज तक मैं कभी भी अपने एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, कि मैं आपको बता सकूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, तू कर मेहनत, तेरी मेहनत का हिसाब होगा। तू कर मेहनत, तेरी मेहनत का हिसाब होगा। तेरा हर एक सपना एक ना एक दिन ज़रूर तेरे पास होगा। देखने वाले देखते रह जाएंगे इन आम लोगों की महफिल में तेरा चेहरा सबसे खास होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए बी हैप्पी एंड सेव योर ह्यूमैनिटी। थैंक यू।